तो अपन बात कर रहे थे कि क्या जरूरत है एक इंडिपेंडेंट साइंस बल उसको भी बॉक्स रखा हुआ है। अगर मुझे
फर्स्ट चीज। सेकंड, क्या बल लगाने के लिए क्वेश्चन दिया है, क्या बल लगाने के लिए स्पर्श करना आवश्यक है। क्वेश्चन है कि अगर मुझे किसी बॉक्स पर बल लगाना है तो अगर उस बॉक्स पर बल लगाना है तो क्या ये आवश्यक है कि मैं उस बॉक्स को स्पर्श करूं, क्या बिना स्पर्श किए भी बल लगाया जा सकता है, उसको बोल रहा है देखो पहले इस वाले पूरे हो नहीं डायग्राम का मतलब कि कुछ नहीं है इसको वीडियो पोस्ट हो गया और पोस्ट कर दो तो बात की है। पहली बात ये कि पहले तो ये सोचते हैं कि बल किस टाइप से डिसाइड करेगा कि वस्तु की गति कैसी होगी, एक बोतल कहीं से बैठी हुई और एक बच्चा आता है, बच्चा तीन बच्चे को मारने चाहिए, तीन मानो तो मानो टाइम हमारे बहुत टाइम पास होता है। पहला यहां से किस बिंदु पर बल लगाता है, दूसरा किस बिंदु पर बल लगाता है, तीनों ही बल को समान लगाते हैं, ये भी 5 न्यूटन का बल लगाता है, ये भी 5 न्यूटन का लगाता है और ये भी 5 न्यूटन का ही लगाता है, तीनों 5 न्यूटन के ही बल लगाते हैं। लेकिन क्या तीनों के बल द्वारा जो गति होगी वो अलग अलग होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बल कितना लग रहा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बल कहाँ लग रहा है। आंसर आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको इस वीडियो